हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल ब्रदर्स में। सब वीडियो शुरू करने से पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत और सुंदर बना देता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हमारे ऑप्शंस है ए जसवीर सिंह, बी संजीव चड्ढा, सी नवतेज बल, डी जयंत कृष्णा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी नवतेज बल। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा था? हमारे ऑप्शंस है ए अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी त्रिपुरा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी तमिलनाडु। दोस्तों सेकंड नंबर पे रहा था महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे रहा था आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस है ए 7 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई या डी 12 जुलाई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी 11 जुलाई। दोस्तों इसका उद्देश्य बढ़ती पॉपुलेशन के लिए लोगों को जागरूक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हमारे ऑप्शन है ए ज्ञानेन्द्र निगोमबाम, बी जसवीर सिंह, सी संजीव चड्ढा या डी जयंत कृष्णा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ज्ञानेन्द्र निगोमबाम। दोस्तों पुरुष हॉकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच है ग्राहम रीड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस है ए यूरोपीय संघ EU, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका या डी फ्रांस। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ए यूरोपीय संघ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत या डी बांग्लादेश। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी भारत। दोस्तों यूनिफिल की फुल फॉर्म है यूनियन नेशंस इंटीरियम फोर्स इन लेबनान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है और यह किस राज्य में है? हमारे ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी मेघालय। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों नादौन पुलिस स्टेशन को देश का व हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। चलिए एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस है ए बंसीलाल भट्ट, बी जसवीर सिंह, सी सुखबीर सिंह या डी संजीव चड्ढा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी सुखबीर सिंह। दोस्तों सुखबीर सिंह एक पंजाबी सिंगर है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग में शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस है ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी कौशल विकास और
उद्यमिता मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसमें इस मंच पर रोजगारों को क्षमता अनुसार कार्य देने का कार्य किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड गेरिच फंडुला लिखी है। हमारे ऑप्शन है ए ए के श्री कुमार, बी रूपा श्री कुमार या डी उपयुक्त दोनों या डी सुधा शर्मा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी उपयुक्त दोनों। ये पुस्तक ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार दोनों ने मिलकर लिखी है। हमारा 11th क्वेश्चन है प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ है, यह किस देश के थे। हमारे ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी आइवरी कोस्ट, सी मलेशिया या डी युगांडा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी आइवरी कोस्ट। दोस्तों ये देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। चलिए 12th क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति चिताना धर्वारेंसिस पाई गई है। हमारे ऑप्शन है ए मणिपुर, बी कर्नाटक, सी पंजाब या डी केरल। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य में छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। चलिए हमारे 13th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है। हमारे ऑप्शंस है ए ब्राज़ील, बी ब्रिटेन, सी ईरान या डी इराक। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी ईरान। दोस्तों सेकंड नंबर पे है अफगानिस्तान एंड थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। हमारे ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 8 या डी 9। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।